अक्सर शोरूम जाते हो तब आपको कैरी बैग के लिए अलग से पैसों का भुगतान तो करना ही पड़ता होगा। तो अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे, जहां मुंबई के एक शोरूम को कैरी बैग के लिए 20 रुपए चार्ज करना महंगा पड़ गया। उन्हें कस्टमर को अब 13,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने शोरूम को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया। कोर्ट ने शोरूम को महिला उपभोक्ता को 13,000 रुपए की राशि देने का आदेश दिया। इसके साथ ही महिला को 20 रुपए भी वापस मिले। शोरूम को इतने से ही छुटकारा नहीं मिला, कोर्ट ने उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए 25,000 रुपए अलग से जमा करने का भी आदेश दिया। मुंबई के वडाला निवासी रीमा चावला ने 2019 में 1690 रुपए में एस्पेडा बैग खरीदा था। चावला ने इस मामले में 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। चावला के वकील प्रशांत नायक ने कहा कि कैरी बैग के लिए चार्ज करना शोरूम की ओर से अत्यधिक गैर पेशेवर था, क्योंकि इसने कैरी बैग पर अपना नाम दिया था जिससे शोरूम की ब्रांडिंग और प्रचार होती है। उपभोक्ता फोरम ने माना शोरूम का अपना ब्रांडिंग और नाम के साथ कैरी बैग देना और उसके लिए पैसा वसूल करना ग्राहकों का शोषण करना जैसा है। रिपोर्ट में फोरम के हवाले से कहा गया कि जब ग्राहक सामान खरीदने के लिए आता है तो उसे ले जाने के लिए कैरी बैग मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लेना अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस है। इसके मुताबिक अब शोरूम को उस महिला को 13,000 रुपए के साथ साथ 20 रुपए भी वापस लौटाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।